यो व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड अगर अभी आप गेम लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो आपके सामने नोटिस आ रहा होगा 1 hour 30 minutes। मे बी दिस इज लेस कंसिडरिंग ये वीडियो कब आएगी, सो या और मे बी हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो आफ्टर दिस पैच इज हियर। तो चले चलते हैं अपडेट डिटेल्स पर नजर डालते, बिकॉज अपडेट डिटेल्स आर हियर एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपडेट दैट आई हैव सीन सो फार इन सोलो लेवलिंग अराइज एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग। ओके, तो हमें जाना है अपडेट्स में। यहाँ पे आपको दिखाई देगा 619 अपडेट डिटेल्स, जो कि हमारा अपडेट डिटेल्स है। इस पर हम नजर डालेंगे एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट अपडेट वी हैव गॉटन सो फार इन द होल गेम। बहुत ही जबरदस्त। चलिए चलते हैं, नजर डालते हैं। सबसे पहले न्यू SSR हंटर एंड हंटर एक्सक्लूसिव वेपन एडेड। तो वाटर एट्रीब्यूट हीलर, तो इसे हीलर की तरह ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, दैट शी इज गोइंग टू बी अ हीलर। तो हर मेन पर्पस इज गोइंग टू बी हील इन द गेम। एंड एक्सक्लूसिव वेपन हुक लाइन एंड सिंकर विल बी एडेड। बेसिकली ये फिश करती है, तो फिशिंग रॉड टाइप ऑफ वेपन है इसका। द न्यू हंटर्स प्रोफाइल आइकन डॉसियर एंड कोडेक्स विल ऑल्सो बी एडेड। द हंटर कैन बी ऑब्टेन थ्रू रेट अप ड्रॉ एंड यू कैन एक्सपीरियंस द पावर ऑफ दिस हंटर इन एडवांस थ्रू हंटर प्रीव्यू। द एक्सक्लूसिव वेपन कैन बी ऑब्टेन थ्रू क्राफ्टिंग और एन इवेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो मेलिन फिशर इन ऑल हर ग्लोरी, रैंक SSR, एट्रीब्यूट वाटर, क्लास हीलर, एक्सक्लूसिव वेपन हुक लाइन एंड सिंकर। यहाँ पर उसका वीडियो है, ये वीडियो आप देख सकते हो। आई एम नॉट गोना प्ले इट, ठीक है। न्यू कॉस्ट्यूम एडेड, तो न्यू कॉस्ट्यूम हैज बीन एडेड फॉर टू कैरेक्टर्स। ओके, माइंड यू, सबसे पहला मेलिन फिशर लवली मैजिशियन, सो दिस इज हर कॉस्ट्यूम, और ली जोही स्वीट एज हनी, ओ माई गॉड, दे आर बेटिंग अस सो हार्ड। और ये वाला कॉस्ट्यूम आपको मिलेगा फ्रॉम द डीलक्स पास, 2199 ओनली। तो दैट इज एक्सपेंसिव, बट अगर आपको 30% डिस्काउंट कोड मिलता है तो 1600-1700 में अराउंड आ जाता है। सो 1600-1700 में अलॉन्ग विद टिकेट्स यू गेट ली जोही। वर्थ इट इन माई ओपिनियन? आपके ओपिनियन में वर्थ इट है, लेट मी नो। न्यू शैडो टस्क विल बी एडेड, तो आप देख सकते हो टस्क है यहाँ पर, ऑल टीम मेंबर्स के कोर अटैक स्किल डैमेज को इंक्रीज करेगा, विच इज बेसिकली वॉट अलीसिया नीड्स इन जनरल एंड बीस्ट बे क्यों हो। तो अगर उन दोनों को आपको पावरफुल बनाना है अपनी टीम में, देन आई थिंक टस्क इज गोइंग टू बी अ शैडो दैट यू माइट वॉन्ट टू कंसिडर गेटिंग, ठीक है। और टस्क आपको जैसा कि पता ही होगा 18 चैप्टर के एंड में अराइज किया संगजिनवू ने। आई थिंक विल बी गेटिंग हिम फॉर फ्री, बट विल सी अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट अप न्यू कॉन्टेंट वर्कशॉप ऑफ ब्रिलियंट लाइट हैज बीन एडेड। तो यहाँ पे न्यूमरस एनिमीज को डिफीट और बॉसेस को डिफीट करने के बाद आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। कंसिस्ट होता है यहाँ पे मेन स्टेज, सब स्टेज और फर्स्ट चैलेंज अटेम्प्ट हमेशा फ्री है। डिपेंडिंग ऑन द स्टेज यू कैन प्रोसीड इन प्लेयर मोड और हंटर मोड। तो जैसे कि मैंने बताया था 5-6 स्टेजेस है, और 5 स्टेज है आई थिंक इन टोटल, उनमें से 2 संगजिनवू स्टेज है प्लेयर मोड और 3 हंटर मोड है जहाँ पे आपको हंटर्स चाहिए। तो यू विल नीड वाटर टाइप हंटर्स एंड वाटर टाइप वेपन फॉर योर जिनवू, तो दोनों ही आपको चाहिए। Select the desired difficulty and start your challenge by pressing start raid. The workshop of brilliant light invitations can be used to enter the stage selection screen. Workshop of brilliant light invitation will be consumed on the first attempt for each difficulty. अच्छा, कोई भी workshop of brilliant light invitation नहीं consume होगा first attempt हर difficulty के, यानी कि आप normal और easy mode में free में एक बार खेल पाओगे, ठीक है। ये content unlock होगा जब आप hard mode chapter 10 main story का खत्म करोगे, so you need to be cleared with Baruka. आपको बारू का हार्ड मोड में हराना होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट एंटर दिस स्टेज। तो ये रिक्वायरमेंट है। और अगर आप चैलेंज के लिए बैटल टियर भी मीट करते हो, देन यू विल बी एबल टू डू इट। क्लियरिंग अ लोअर डिफिकल्टी विल अलाउ यू टू चैलेंज अ हायर डिफिकल्टी, यानी कि जब आप इजी मोड करोगे तो आप नॉर्मल मोड में जाओगे। वर्कशॉप ऑफ ब्रिलियंट लाइट इज हेल्ड एट 1 week इंटरवल्स एंड रीसेट एवरी वेडनेसडे विच इज टूडे, विच इज वियर्ड क्योंकि वीक अलग दिन होता है यूजुअली, बट ठीक है। एडिशनली द वर्कशॉप ऑफ ब्रिलियंट लाइट इनविटेशन विल बी चेंज टू इट्स मैक्सिमम क्वांटिटी अपॉन वीकली रीसेट। मतलब लेट से आपका 1 बच गया हफ्ते के एंड में, तो वो अगले हफ्ते 3 होगा आपका, 4 नहीं होगा, 3+1 नहीं, आपको 3 ही मिलेंगे हर हफ्ते। आप यूज करो नहीं करो 3 ही रहने वाले हैं, ठीक है। फिर ब्लेसिंग ऑफ ब्रिलियंट लाइट, तो जब आप ये स्टेजेस खेलोगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे जो कि सिर्फ उस स्टेज में ही एप्लीकेबल होगा, यानी कि वर्कशॉप ऑफ ब्रिलियंट लाइट में ही एप्लीकेबल होगा ये, ठीक है। आप देख सकते हो द ब्लेसिंग ऑफ ब्रिलियंट लाइट बफ्स इफेक्ट्स अप्लाई टू ऑल डंजन विद इन द वर्कशॉप ऑफ ब्रिलियंट लाइट, ठीक है। रिवॉर्ड्स क्या क्या है, सबसे पहला कर्स, हेलमेट, बॉडी, ग्लव्स, बूट्स, नेकलेस, ब्रेसलेट, इयरिंग, रिंग, तो 8 के 8 में यहां से मिल रहे हैं। इफेक्ट कंडीशन 248, ओके। ग्रीड, इसका भी इफेक्ट कंडीशन 248, और ब्लेसिंग इसका भी कंडीशन 248, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। तो न्यू आर्टिफैक्ट्स कम इन लेजेंडरी 78 एंड हीरो 73 रेरिटीज, तो लेवल 73 एंड 78 आर्टिफैक्ट्स, इट इज काइंड ऑफ वियर्ड, 55 से सीधा 73 एंड 78 में जम है,
5-5 का डिफरेंस रह सकता था, बट विल सी अबाउट दैट। एंड देयर स्टैट्स आर डिटरमाइंड एट दैट टाइम ऑफ एक्विजिशन, तो ये भी ठीक है। हंटर आर्काइव में नया स्टोरी ऐड हो रहा है, तो ये मेलिन फिशर और सीओ जिंगवू के लिए ऐड हो रहा है, तो दैट इज देयर। संग जिंगवू का लेवल अचीवमेंट रिवॉर्ड्स हैव बीन एडेड, तो भाई ये रिवॉर्ड्स बहुत ही अमेजिंग है। विल बी बिकमिंग मिलियनेयर्स राइट नाउ इन द गेम, ठीक है। जैसे ही अपडेट आएगा विल बी बिकमिंग मिलियनेयर्स, सो दैट इज ग्रेट, ठीक है। न्यू इवेंट्स ये इवेंट्स के बारे में मैंने किया है कवर। एक्वामरीन रिपल मेलिन फिशर रेट अप ड्रॉ, मतलब मेलिन फिशर आप ड्रॉ कर सकते हो। मेलिन फिशर सेलिब्रेशन स्पेशल डाइस इवेंट है इसके वेपन के लिए। अक्यूट कैट समनर एजपियर मेलिन फिशर ग्रोथ इवेंट, इसका आप वेपन निकाल सकते हो। पॉइंट्स इवेंट है, चैलेंज वर्कशॉप और ब्रिलियंट लाइट क्लियर इवेंट है। मेज सैलवेज प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट सैलवेज इवेंट है। इसके अलावा स्पेशल डाइस वाला यहाँ नहीं लिखा है, स्पेशल डाइस वाला भी है। ओके ये रहा स्पेशल डाइस इवेंट, सो या तो ये इवेंट्स है यहाँ पे, ये 6 इवेंट्स चलेंगे। इंप्रूवमेंट एंड चेंजेस कस्टम ड्रॉ लाइनअप एडेड, छा है इनको कस्टम ड्रॉ में ऐड कर दिया। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट दे हैव डन विद दिस अपडेट। आई डाउटेड दैट दे विल डू दिस, बट इन्होंने ये कर दिखाया है, तो दैट मीन्स हर 40 डेज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका प्रीवियस बैनर यहाँ आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट अपडेट में अलीसिया विल बी एडेड मोस्ट प्रोबेबली। सो दैट इज वॉट इज गोना हैपन, सो दिस इज गुड यार, दिस इज वेरी गुड। आप अगर नहीं भी निकाल पाते हो कैरेक्टर्स को, यू स्टिल हैव अ चांस टू गेट देयर मल्टीज। दिस गेम इज बॉन्कर्स, आई एम टेलिंग यू भाई, ये गेम बहुत दूर जाएगा अगर इस तरीके की चीजें करेंगे तो, राइट। स्टोरी मोड रिवर्स चैप्टर एडेड, तो 16, 17, 18 रिवर्स मोड चैप्टर एडेड हो गया है, तो करेगलन तक आप चैलेंज कर सकते हो रिवर्स मोड अगर आप नहीं खेल रहे हो तो। आई विल स्टार्ट डूइंग दैट। उसके अलावा पर्पल ब्लेड कैम्यूला जो हमने क्लियर कर लिया ऑलरेडी ट्रायल 435 में, हिट काउंट उसका सर्टेन स्किल का कम कर दिया गया और रिड्यूस द पॉइजन बफ, तो दैट इज गुड। न्यू सीजन ऑफ बैटलफील्ड ऑफ टाइम हैज बीन एडेड, तो संग जिंगवू एंड हंटर्स, तो यहाँ पर चेंजेस है, कुछ एडजस्टमेंट्स है ताकि आप सभी तरह के वेपन्स यूज करो, अपने कॉम्बोज यूज करो, सो दैट देर इज नो फिक्स्ड थिंग्स दैट यू डू, ठीक है। सबसे पहला फिक्स प्रिसीजन एट 95%, यानी कि जब आप इस स्टेज में जाओगे सबके प्रिसीजन 95% हो जाएंगे रिगार्डलेस आपका प्रिसीजन कितना है, ठीक है। इफ द बैटल ड्यूरेशन एक्सीड्स अ सर्टेन टाइम द फाइटिंग स्पिरिट बफ विल बी अप्लाइड टू संग जिंगवू एंड हंटर। फाइटिंग स्पिरिट क्या करेगा, इंक्रीज डैमेज रेट, इंक्रीज ब्रेक और रिड्यूस डैमेज टेकन, ठीक है। मॉन्स्टर्स के लिए डिक्रीज अटैक डिफेंस ऑफ एलीट एंड बॉस मॉन्स्टर, यानी कि अब वो कम डैमेज करेंगे। एचपी उनका बढ़ा दिया गया ताकि वो ज्यादा टैंकी हो जाएंगे। ब्रेक गॉज के वैल्यू को एडजस्ट किया है और डैमेज डेल टू बॉसेस इन ब्रेक स्टेट को बढ़ा दिया गया है, तो ब्रेक करना पड़ेगा आपको अगर इसको क्लियर करना है तो दे हैव डन सम स्ट्रेटजी हियर विच इज गुड। रेप्यूटेशन लेवल को बढ़ा दिया गया 70 पे, आई थिंक इट वॉज मैक्स एट 50, अब इसको 70 कर दिया गया, इफ आई एम नॉट श्योर। नो कॉस्ट विल बी रिक्वायर्ड व्हेन इक्विपिंग आर्टिफैक्ट्स ऑफ टियर 15 एंड लोअर। 15 एंड अबव के कितने कॉस्ट रिड्यूस हुए वो नहीं बताया गया, बट ठीक है। जेम्स अब आप हर जगह से जेम आप पूरा एक बार में देख सकते हो, तो दैट इज ओके। स्टोरी मोड में 18.5 में एक कटसीन ऐड हुआ है, आई थिंक उस कटसीन से आपको टस्क फ्री में मिलेगा, सो टस्क मोस्ट प्रोबेबली इज गोइंग टू बी फ्री, बट विल सी व्हेन द अपडेट ड्रॉप्स, ठीक है। चैलेंजेस, तो चैलेंजेस में कुछ चेंजेस किए गए। लेवल ऑफ हंटर जो था मिशंस और बैटल टियर 36 वाला रिक्वायरमेंट था उनको घटा के 30 कर दिया गया और बाकी मिशंस को इजी कर दिया गया। ये क्यों किया गया मैं बताता हूँ, क्योंकि हंटर्स लेट से फॉर एग्जांपल मी, मैंने सारे हंटर्स को 80 कर दिया, तो अब मैं कहाँ से लेवल अप करूँ, आई डोंट हैव एनी वेयर टू लेवल दीज हंटर्स अप, तो इसलिए इसको चेंज करके वेपन में कन्वर्ट कर दिया गया, सो दिस इज डूएबल। इवेंट क्राफ्टिंग सेक्शन विल बी इंटीग्रेटेड इन टू द क्राफ्टिंग मेन्यू एंड प्लेस्ड ऑन एट द टॉप ऑफ फॉर बेटर विजिबिलिटी, ठीक है। तो क्राफ्टिंग को थोड़ा बेटर कर दिया गया है। स्पेशल कमीशन, तो स्पेशल कमीशन में कुछ बॉसेज ऐड हो गए हैं क्योंकि अब आप इनको वर्कशॉप ऑफ ब्रिलियंट लाइट में खेलोगे, तो इसलिए इनको ऐड कर दिया गया है। गेट्स, कंटिन्यूअस डैमेज एप्लीकेशन फ्रॉम द कोल्ड डीबफ इन द रेड गेट विल बी चेंज्ड, ओके। एनकोर मिशन, द बर्न कर्स 5 स्टैक डैमेज फ्रॉम गेटकीपर ऑफ हेल्थ सेरेब्रस विल बी रिड्यूस्ड, तो यानी कि अब सेरेब्रस को ईजी कर दिया गया है। बैटलफील्ड ऑफ केओस, यहाँ पर अब आप मल्टी प्ले कर सकते हो, यानी कि मल्टीपल टाइम्स एक साथ आप खेल सकते हो, और अगर आपको एक्स्ट्रा एंट्री चाहिए तो आप एसेंस स्टोन से खरीद सकते हो। विल सी कितना कॉस्ट है उसका, अगर ये स्ट्रैटेजी अच्छा है तो वी कैन मे बी ट्राई बाइंग सम। कॉम्बैट कन्वीनियंस इंप्रूवमेंट में, अब अगर आप लेट से ऑटो मोड पे खेल रहे हो, राइट, ऑटोमेटिकली क्या होता है कभी कभी आपके स्किल्स भले ही अवेलेबल है, ठीक है, आपका वो स्किल्स यूज करने की जगह क्यूटी यूज कर लेता है, राइट, तो अब क्या करेगा, क्यूटी यूज करेगा जब बाकी स्किल यूज नहीं हो पाएंगे, तो दैट इज गुड। शॉप में कुछ चीजें आई है तो आप देख सकते हो, सबसे पहले मेलिन फिशर का कॉस्ट्यूम पैक, ठीक है, दिस इज अ गुड वन, आई थिंक अगर आप स्पेंड कर सकते हो थोड़ा तो ले सकते हो। मेलिन फिशर एक्सक्लूसिव वेपन पैक, ये डायमंड से 3900 आई थिंक कॉस्ट करेगा ये। उसके अलावा रेट अप ड्रॉ डुअल पैक, ये है रेट अप ड्रॉ टिकट 15, ओके, फिर रेट अप ड्रॉ डुअल पैक 245, और फिर रेट अप ड्रॉ बोनस पैक, तो आई थिंक ये स्टेप अप टाइप ऑफ है, तो यहाँ से आपको 70 टिकट्स मिल जाएगा, बेसिकली एक पिटी गारंटीड है आपका। फिर शॉप स्पेशल लेवल अप, तो अब देखो जिंगवू जब लेवल अप करेगा 72 पे,
300,000 गोल्ड, माना पार एक्सट्रैक्ट 1 और एबिसल फ्रैगमेंट 30. भाई माना पार एक्सट्रैक्ट इज ह्यूज, राइट? एबिसल फ्रैगमेंट इज ऑल्सो ह्यूज. फिर 72 पे डायमंड से कुछ आप ले सकते हो, कस्टम ड्रॉ टिकट इनटू 30. आई थिंक दिस विल कॉस्ट अराउंड 6,000 या 7,500 डायमंड्स कॉस्ट करना चाहिए, बट विल सी. 74 पे फिर 300,000 गोल्ड, आर्टिफैक्ट एनहांसमेंट चिप 2 इनटू 100, ट्रेसेस ऑफ शैडो इनटू 100, ह्यूज. लेवल 76 पे 300,000 गोल्ड, रून फ्रैगमेंट इनटू 500. भाई 5 रून आप बना सकोगे. फिर लेवल 78 पे 300,000 गोल्ड, माना पार एक्सट्रैक्ट इनटू 2, डैम, ट्रेसेस ऑफ शैडो इनटू 100, 200 ट्रेसेस ऑफ शैडो हो गए भाई, दैट्स ह्यूज, राइट? फिर लेवल 80 पे 300,000 गोल्ड और पावर ऑफ ब्लेसिंग इनटू पाउडर ऑफ ब्लेसिंग इनटू 200, यानी कि 4 ब्लेसिंग स्टोन इंस्टेंट आप बना सकते हो. ब्रो दिस इज मैसिव 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 रिवॉर्ड्स फॉर लेवल 80. भाई आई एम क्रेजी, मतलब मैं क्रेजी हो जाऊंगा ये देखकर. बोनस में दे हैव एडेड दीज पैक्स, रून फ्रैगमेंट बंडल पैक, पावर ऑफ ब्लेसिंग बंडल पैक, डेली डायमंड बोनस पैक, डेली डायमंड बोनस पैक, हु केयर्स. उसके अलावा हंटर्स एसोसिएशन अल्टीमेट पैक, ये देखने वाली बात होगी कि कस्टम ड्रॉ टिकट इनटू 10 एसेंस स्टोन से आप ले सकते हो. आई थिंक ये थोड़ा सस्ता होगा, लाइक लेट्स से कस्टम ड्रॉ टिकट यूजुअली आप 2500 में 10 ले सकते हो, मेरे हिसाब से यहाँ पर आप 2000 या फिर 1500 में 10 ले पाओगे, और सेम इज द केस विद द रेट ऑफ ड्रॉ टिकट. तो लेट्स ये कितना कॉस्ट का करते हैं, विल सी अबाउट दैट. अल्टीमेट पैक प्रोडक्ट्स कैन बी परचेज बाय हंटर्स यूजिंग द हंटर्स एसोसिएशन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन टिकट. ओके, तो आपको प्रीमियम एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन टिकट, ओके, आई डोंट नो, मे बी वो पास का हो अगर आप ले रखे हो, तो विल सी अबाउट दैट. बोनस में अगर आप खरीदते हो $1 करके, तो अब हुआंग डोंगसू को डाला गया है $10 में. मेरे हिसाब से तो ये बेकार है, मैं 4 तक जाऊंगा एटलीस्ट रेट ऑफ ड्रॉ टिकट 10 के लिए. आई एम नॉट श्योर अबाउट हुआंग डोंगसू, मे बी वी गो मे बी वी डोंट, बट विल सी. 30 पे इसीलिए मून शैडो डाला है ताकि लोग 30 तक जो जाते हो मून शैडो के लिए इसको खरीदे. तो दे हैव डन सम ट्रिकरी हियर, हुआंग डोंगसू को बेचने के लिए मून शैडो डाल दिया, समझ रहे हो? शॉप में अब सिस्टम शॉप आ गया है, चांस पैक प्रोडक्ट विल बी एडेड, चांस पैक अपियर होंगे जब आप गेम में कुछ करते हो. शॉप में टुडेज थीम टैब एक ऐड किया गया, तो विल सी अबाउट दैट. हंटर्स पास है, तो हंटर्स पास में ली जोही का कॉस्ट्यूम, एज यू कैन सी, डायमंड से 30 टीयर्स है, विल बाय दैट इमीडिएटली. कॉमन नोट्स फॉर ऑल पैकेजेस, ठीक है. उसके अलावा सिस्टम इंप्रूवमेंट, कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं यहाँ पर, लेट्स गो ओवर द इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है. इम्प्रूव द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ प्रमोशन रैंक इन द आर्मी ऑफ शैडो ऑटो फॉर्म फीचर. तो यूजुअली जब आप ऑटो फॉर्म करते हो तो प्रायोरिटी नहीं देता है कि किसको लग रखना है, राइट? तो लेट्स से मेरा जैसे आयरन एडवांस्ड है, तो फिर भी टैंक को रख देता है, तो अब ये आयरन को ही रखेगा. प्रिवेंट सैलवेजिंग लेजेंडरी रूंस, ठीक है, हु केयर्स. 144 हर्ट्ज डाल दिया गया पीसी पे, डिपेंडिंग ऑन द मॉनिटर स्पेसिफिकेशन, ठीक है. एक्सेसिव स्क्रीन रोटेशन को हटाया गया है गेट कीपर ऑफ हेल्थ से, विच इज गुड. ओके, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन में बॉसेज एंड गोलम्स एक्टिविटी इमीडिएटली अपॉन देयर अपीयरेंस, ऑलराइट, या दीज आर फाइन. और कुछ बग्स फिक्सेस है, यू कैन रीड फॉर दोज. आई डोंट थिंक देर आर एनीथिंग इंपॉर्टेंट हियर जो मुझे बताना चाहिए. सो ये हमारा पैच डिटेल्स, व्हाट आर थॉट्स एंड ओपिनियन. आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड एट दीज थिंग्स दैट दे हैव एडेड. आई एम सुपर हाइप फॉर दिस अपडेट. व्हाट आर थॉट्स एंड ओपिनियन. लाइव स्ट्रीम हम करेंगे थोड़ी देर में, जॉइन दैट, हैव फन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन, पीस आउट, टेक केयर, अराइज़.